दोस्तों पिछले वीडियो में आपने देखा था हनुमानगढ़ी, वो सामने देख सकते हैं, वो हनुमानगढ़ी उधर और जस्ट कुछ मीटर दूरी पे इधर ये सामने है दशरथ महल। दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने श्री राम जन्मभूमि, उसके बाद धन धामन कुंड और हनुमानगढ़ी को दिखाया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक नीचे है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ दोस्तों दशरथ महल और दोस्तों कनक भवन, जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो पर बने रहिए, सामने है दशरथ महल। और ये जो दोस्तों आप सामने देख रहे हैं कंदमूल फल दोस्तों, जिन्हें दोस्तों श्री राम जी ने वनवास के दौरान दोस्तों जंगलों में इन्हीं कंदमूल को खाया था, जो कि यहाँ 10 रुपये में 3 बिक रहे हैं। तो अगर आप अयोध्या आते हैं तो एक बार ये कंदमूल ज़रूर खाएं दोस्तों, काफ़ी मीठे होते हैं। तो चलिए अब यहाँ सामने देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं दशरथ महल, पहले दशरथ महल देखते हैं फिर चलेंगे कनक भवन की ओर। तो यहाँ देख सकते हैं ये अंदर का दोस्तों रास्ता दशरथ महल की ओर। बाकी दोस्तों अभी दशरथ महल 4 बजे खुलेगी, अभी दोस्तों 3:20 हो रहे हैं, तो कुछ मिनट दोस्तों अभी दरवाज़ा भीतर बंद है, तो 4 बजे के बाद खुलती है दोस्तों, तो हम कुछ देर वेट करेंगे। यहाँ देख सकते हैं ये भीतर, वो सामने देख सकते हैं वो गेट, वो दशरथ महल का मेन गेट है, बाकी दोस्तों अभी बंद है। तो चलिए फिलहाल भीतर का नज़ारा यहाँ देख सकते हैं भीतर में। और दोस्तों लंगर आपको हर जगह मिल जाएगा, यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों वो जो लाइन लगा के लोग खड़े हैं, यहाँ खाना पीना खिलाया जा रहा है। तो दोस्तों अयोध्या में आपको जैसा मैंने पहले ही बताया दोस्तों, यहाँ आपको खाने पीने की कमी होने वाली नहीं है, जहाँ भी जाएंगे दोस्तों आपको खाना पीना चाय कॉफ़ी नाश्ता आपको मिल जाएगी। तो ये दोस्तों भीतर का नज़ारा है, बाकी ये सामने आप देख सकते हैं महाराज बड़ा स्थान यानी कि दशरथ जी का महल दिया गया, गेट फिलहाल अभी बंद है दोस्तों, तो अभी थोड़ी देर में गेट खुलेगी दोस्तों 4 बजे। बाकी दोस्तों भीतर आपको ये अभी नज़र आ जाएगा, आपने फिल्मों में देखा होगा पोपट, तो दोस्तों लोग अपना भविष्य चेक कराते हैं। बाकी दोस्तों होती तो ये बिल्कुल बकवास है, बस आप टाइम पास करने के लिए, अगर जैसे अभी बंद है महल तो चलिए थोड़ी देर टाइम पास कर लेते हैं, या देख सकते हैं किस तरह से पोपट भविष्य बताते हैं। अगर आप आते हैं तो बस ये जस्ट इसे आप टाइम पास के लिए यूज कर सकते हैं, बाकी ऐसा होता कुछ भी नहीं है, बस ये लोग अपना पैसे कमाने का धंधा खोल के रखते हैं और कुछ भी नहीं है, बस टाइम पास के लिए दोस्तों लोग आ जाते हैं इनके पास। अभी 4 बजे नहीं है, 4 बजे के बाद यहाँ खुलती है, तो अगर 4 बजे तक खुली तो मैं आपको दिखाऊँगा, तो अभी 3:30 बज रहे हैं। तो दोस्तों द्वार अब खुलने वाली है, देख सकते हैं 4 बजने ही वाले हैं, तो लोग यहाँ आकर खड़े हो चुके हैं, अब जस्ट खुलने ही वाली है। और दोस्तों बात करें दशरथ महल की, तो दोस्तों यहाँ पे भगवान श्री राम और उनके 4 भाइयों ने दोस्तों अपना बचपन 19 साल दोस्तों यहीं बिताया था दशरथ महल में, तो ये वही जगह है। अगर आप अयोध्या आते हैं तो दशरथ महल भी ज़रूर आएँ दोस्तों, जहाँ श्री राम जी ने अपना बचपन बिताया था। बाकी देख सकते, चलिए द्वार अब खुल चुकी है, अब चलिए भीतर चलते हैं और भीतर आपको दिखाते हैं दशरथ महल। बाकी दोस्तों अंदर आपको श्री राम जी की बाल रूप के दोस्तों दर्शन होंगे, आपको जहाँ स्थापित की गई है मूर्ति, वो बाल मूर्ति के आपको दर्शन यहाँ होंगे दशरथ महल में। तो चलिए अब भीतर चल रहे हैं, तो अगर आप अयोध्या जैसे मैंने कहा दोस्तों आते हैं तो दशरथ महल भी ज़रूर आएँ। और ये राम जी जहाँ ने दोस्तों अपना बचपन बिताया था, जहाँ पे खेले थे, खुद के बड़े हुए थे, इसी दशरथ महल में, तो यहाँ भी दोस्तों ज़रूर आएँ। काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ दोस्तों रोज़ यहाँ आते, देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। तो हम आ चुके हैं अंदर और ये है दोस्तों महाराज दशरथ जी का महल, और यहाँ जूते उतारने होते हैं इधर में, उतार कर और साइड में रख दें, बाकी उतार कर अंदर जाना होता है। तो देख सकते हैं सारे लोग यहाँ जूते उतार रहे हैं और उतार कर अंदर आप जा सकते हैं। तो चलिए देख सकते हैं आ चुके हैं हम भीतर दशरथ महल में, तो ये है दोस्तों दशरथ महल। बाकी चलिए अब भीतर चलते हैं, अब भीतर भी आपको दिखाते हैं। तो भीतर जैसा मैंने बताया दोस्तों आपको यहाँ पे प्रभु श्री राम की दोस्तों बाल रूप की मूर्ति यहाँ स्थापित की गई है, आपको देखने को मिलेगी। और ये इस तरह से है राजा दशरथ जी का महल, देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर में वहाँ पर्दे हटाए जाएंगे, वहाँ आपके गर्भगृह में मिलेगी बाल रूप के दर्शन होंगे आपको यहाँ श्री राम जी के। तो जैसा मैंने फिर से अगर बताता हूँ दोस्तों, यहीं पे भगवान श्री राम अपने 4 भाइयों के साथ दोस्तों यहीं पे अपना बचपन बिताया था दोस्तों, इसी दशरथ महल में। तो चलिए अब आपको सामने से दिखाते हैं, हालांकि काफ़ी सामने भीड़ है, तो अभी फाटक हटाए जाएंगे और आपको गर्भगृह में, जैसा मैंने कहा दोस्तों, आपको यहाँ पे बाल रूप के दर्शन आपको होंगे इस दशरथ महल में। देख सकते हैं सारे लोग वेट कर रहे हैं पाठ खुलने का, जैसे पाठ खुलेगी तो आपको यहाँ पे भगवान श्री राम दोस्तों आपको दर्शन को देखने को मिलेंगे इस दशरथ महल में।
तो देख सकते हैं सारे लोग बैठे हैं, अभी जस्ट खुलने ही वाली है पार्क। बाकी दोस्तों यहाँ से उसके बाद हम लोग निकलेंगे कनक भवन की ओर। तो चलिए आप वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, और अयोध्या का अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो उसे भी दोस्तों आप ज़रूर देख लीजिएगा, श्री राम जन्मभूमि, गर्भधारण कुंड और हनुमानगढ़ी के जिसमें मैंने देखा है। तो चलिए आप बने रहिए, यहाँ से निकलेंगे और दोस्तों इसके बाद हम चलेंगे दोस्तों कनक भवन की ओर। तो चलिए आप वीडियो पे बने रहिए, देख सकते हैं अभी तक खुली नहीं, जस्ट खुलने वाली है कपाट। तो देख सकते हैं दोस्तों कपाट खुल चुके हैं, पर काफ़ी भीड़ है, लोग देखते हैं वीडियो बना रहे हैं। तो अंदर में आपको जूम करके दिखाते हैं थोड़ा, देख सकते हैं यहाँ आपको भगवान राम के बाल रूप के दर्शन करने को मिलेंगे, पर काफ़ी भीड़ है जिस वजह से दोस्तों दिखने का, देख सकते हैं कितनी भीड़ है, सारे लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, पर देख सकते हैं कितनी भीड़ है। तो चलिए दोस्तों जब आप यहाँ आते हैं, जैसा मैंने कहा आए थे, एक बार जैसा स्मेल भी ज़रूर आए। चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से निकलेंगे और चलेंगे दोस्तों कनक भवन की ओर, और वहाँ पहुँच के दोस्तों कनक भवन की क्या दोस्तों इतिहास है वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए आप वीडियो पे बने रहिए दोस्तों, अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं दोस्तों कनक भवन की ओर। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं बाहर कनक भवन की ओर, देख सकते हैं अभी भी लोग लाइन लगा कर इधर खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको खाने पीने की कमी नहीं होगी, जैसा मैंने कहा दोस्तों ये दशरथ महल, और ये रास्ता इधर चली गई कनक भवन की ओर। तो चलिए अब हम चलते हैं कनक भवन की ओर। तो चलिए बाकी दोस्तों हम चल रहे हैं कनक भवन की ओर, और ये दोस्तों रास्ते में आपको हर जगह दुकानें वगैरह मिल जाएगी, देख सकते हैं दोनों तरफ और तरह तरह के सामान वगैरह आपको मिलेंगे दुकानों में। तो चलिए ये गली सीधा चल रहे हैं हम लोग कनक भवन की ओर। तो देख सकते हैं यहाँ रास्ता कनक भवन इस तरफ है, तो बस वो सामने ही है कनक भवन, अब हम पहुँचने वाले हैं कनक भवन। तो चलिए आप वीडियो पे बने रहिए। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं कनक भवन के द्वार पे, देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा कनक भवन। तो चलिए दोस्तों बात करें कनक भवन के इतिहास की, तो दोस्तों ये कनक भवन माता कैकेयी ने दोस्तों सीता जी को, जब दोस्तों सीता पहली बार दोस्तों सीता माँ आए थे अयोध्या दोस्तों, जब श्री राम ने दोस्तों शिव के धनुष को तोड़कर माता सीता से विवाह किया था, तो जब पहली बार माता सीता यहाँ पहुँची थी अयोध्या, तो माता कैकेयी ने दोस्तों ये कनक भवन सीता माता को दोस्तों मुंह दिखाई में ये भवन सीता माता को दिया था। और ये महल दोस्तों भगवान विश्वकर्मा ने दोस्तों बनाया था दोस्तों, माता कैकेयी ने भगवान विश्वकर्मा से इस महल को बनवाया था माता सीता को देने के लिए दोस्तों मुंह दिखाए हुए हैं। तो इस तरह से कुछ इतिहास है दोस्तों इस कनक भवन की। तो चलिए अब भीतर भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं दोस्तों कि कनक भवन कितना खूबसूरत है अंदर से भी। तो चलिए यहाँ जूते वगैरह उतारने पड़ते हैं, तो चलिए उतारते हैं और चलते हैं सीधा अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर से कनक भवन दोस्तों कितना खूबसूरत लगता है। तो आप बने रहिए। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं कनक भवन के अंदर, देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, और यहाँ भी दोस्तों अगर आप अयोध्या आते हैं तो कनक भवन भी दोस्तों ज़रूर आएँ। और दोस्तों ये सारे श्री राम जी जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, बाकी ये सभी सारी चीज़ें, दशरथ महल और ये कनक भवन सब आसपास ही है, बस ज़्यादा दूर भी नहीं है, आप पैदल भी चलकर सारी जगह को विजिट कर सकते हैं। तो जब आते हैं तो ज़रूर आएँ दोस्तों यहाँ से, देख सकते हैं दोस्तों कनक भवन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है अंदर से भी, देख सकते हैं ये है कनक भवन के भीतर का नज़ारा। और यहाँ भी दोस्तों आपको गर्भगृह में माता सीता और भगवान राम की दोस्तों मूर्ति स्थापित की गई है, वो आपको भीतर मिलेगी, भीतर दर्शन करने को मिलेंगे अंदर में। बाकी ये इस तरह से है ये कनक भवन का अंदर का नज़ारा, देख सकते हैं कितनी भीड़ है, काफ़ी मात्रा में लोग रोज़ यहाँ आते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं ये इस तरह से है कनक भवन का नज़ारा। तो चलिए अब आपको भीतर से भी दिखाते हैं, भीतर में दोस्तों जैसा मैंने कहा माता सीता और भगवान राम की दोस्तों मूर्ति स्थापित की गई है भीतर में। तो चलिए आपको भीतर से भी दिखाते हैं। तो चलिए अंदर चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे भगवान राम और माता सीता की अंदर मूर्ति स्थापित की गई है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे फ़ोटो वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, पर काफ़ी सारे लोग देख सकते हैं, सारे लोग यहाँ वीडियो और फोटोग्राफी कर रहे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। वैसे काफ़ी भीड़ है, तो देख सकते हैं अंदर में वहाँ देख सकते हैं कपाट खुली हुई है, और वो आपको भीतर में देख सकते हैं वहाँ आपको भगवान राम और सीता माता के देख सकते हैं आपको मूर्ति दिखाई दे रही होगी। तो ये है दोस्तों कनक भवन। तो दोस्तों जब आते हैं तो एक बार यहाँ भी दोस्तों ज़रूर विजिट करें कनक भवन में।
तो चलिए अब यहाँ से बाहर चलते। तो देखा आपने दोस्तों कनक भवन, अयोध्या कनक भवन आपने देखा, ये है कनक भवन। तो चलिए अब दोस्तों शाम होने वाली है, 5 बजने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं कनक भवन से बाहर। तो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया राजा दशरथ महल और कनक भवन, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों कि सरजू तट से लेकर के राम की पौड़ी, लता मंगेशकर चौक, लेजर लाइट्स, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सर कमेंट जरूर करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।